हेलो इंजीनियर, दिस इज रॉबर्ट गांधी। तो आज आपके लिए लाए हैं एक डिस्प्ले का टच स्क्रीन, मतलब डिस्प्ले का टच स्क्रीन हम लोग काम करते हैं मोबाइल पे, तो वही टच स्क्रीन हम लोग आसानी से किस प्रकार से घर पे बना सकते हैं, वो भी आसानी से। तो ये जो आप देख रहे हैं ये है एक डिस्प्ले और इसका टच स्क्रीन, तो बहुत ही इजी से हम लोग इसको बना सकते हैं। तो अभी जब भी इस पे उंगली डालेंगे तो देखिए उंगली डालने पर इस पे एलईडी ग्लो कर रहा है, तो दूसरी जगह डालेंगे तो देखिए ग्लो कर रहा है। इस प्रकार से हम लोग टच स्क्रीन को आसानी से बना सकते हैं डिस्प्ले के माध्यम से। तो देखिए अभी फिर से आपको दिखाते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग एक टच स्क्रीन घर पे क्रिएट कर सकते हैं, तो ये बहुत ही इजी का एक तरीका है। तो अभी हम लोग इसी टॉपिक पे बात करेंगे इस वीडियो में, तो चलिए देर ना करते हुए इस वीडियो को किस प्रकार से हमने बनाया है वो देखते हैं। दिस वीडियो स्पॉन्सर्ड बाई LTM.com। यहाँ पे आप लोग आसानी से स्केमिक बना सकते हैं, PCB डिजाइन कर सकते हैं, किसी भी प्रकार के गड़बड़ फाइल, बोम फाइल, ये सब कुछ आसानी से क्रिएट कर सकते हैं इस सॉफ्टवेयर पे। इस सॉफ्टवेयर के ट्रायल के लिए नीचे दिया हुआ लिंक पे क्लिक करें। तो अभी जो आपने डेमो देखा है तो इसका जो मेन जो फॉर्मूला है वो मैंने किया है एक IR सेंडर और IR रिसीवर से, ठीक है। तो अभी देख सकते हैं यहाँ पे एक IR सेंडर और एक IR रिसीवर लगा दिया और प्रॉक्सिमिटी सेंसर के माध्यम से हमने इस ट्रांजिस्टर के माध्यम से एक LED इस पर लगा दिया। तो जब भी इसके बीच कोई उंगली आएगा, मतलब इस पर रुकावट आएगा, आने के बाद ये ग्लो करेगा रेड कलर LED, और ये मैंने इस LED को लगा दिया पावर के लिए, ठीक है। पावर जब भी आएगा ये ग्लो करेगा आपको दिखाने के लिए। तो मैं अभी पावर करता हूँ, तो अभी देखिए पावर आ गया। तो जब भी इसके बीच में उंगली लाऊंगा तो आप देख सकते हैं रेड कलर LED ग्लो कर रहा है, बहुत ही अच्छे से ग्लो कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे रुकावट आ रहा है। तो इसी फॉर्मूला के माध्यम से हम लोग इस डिस्प्ले को बनाएंगे आज। तो अभी चलिए इस डिस्प्ले को बनाते हैं अभी। तो अभी सबसे पहले हम लोग ये जो डिस्प्ले का टच स्क्रीन है इसको हम लोग क्रिएट करेंगे, मतलब इस पर बनाएंगे। तो ये जो टेक्नोलॉजी है ये हमने बनाया है IR सेंसर, मतलब IR जो सेंटर होगा और रिसीवर होगा, दोनों से हमने इसको बनाया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे होल है, मैंने 20x20 हमने बनाया है, आप चाहे तो ज्यादा भी बड़ा कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए होल है, यहाँ पे भी होल है, ऊपर की तरफ है, नीचे की तरफ, सभी पे होल है। तो सभी होल पे हम लोग लगाएंगे, लेकिन एक बात ध्यान रखना होगा, यहाँ पे जो होल है, यहाँ पे जो होल है उसका स्केल जो है मेजरमेंट सही होना चाहिए, मतलब सीधा होना चाहिए, नहीं तो IR सेंसर जो कि रिसीव नहीं कर पाएगा IR LED का। तो इस प्रकार से हम लोग इसको बनाएंगे। तो जो IR सेंसर है इसको हम लोग यहाँ पे लगाएंगे और यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है, और जो IR सेंडर है इसको हम लोग यहाँ पे लगाएंगे और यहाँ पे लगाएंगे। तो लगाने के बाद ये जो है ये कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम लोग इसका वायरिंग करेंगे। तो चलिए अभी इसको फिट करते हैं हम लोग।
अभी देखिए, ये जो हमने टच स्क्रीन का डिस्प्ले जो है वो हमने कंप्लीट कर दिया है, तो इसमें से आउटपुट हमने निकाला है वायर के माध्यम से। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो कि ट्रांसमीटर लगाया है, जो कि आयर जो सेंडर है, और यहाँ पे है आयर रिसीवर। ठीक है, तो यहाँ से जब भी आयर सेंड करेगा, यहाँ से रिसीव करेगा, यहाँ से सेंड करेगा, यहाँ से रिसीव करेगा। इस प्रकार से हमने ये टच स्क्रीन वाला पैनल को बना दिया। अभी देखिए, ये जो आप देख रहे हैं इसको होल्ड कर दिया है, तो अभी इस पर हम लोग लाइट लगाएंगे, लगा के इसको डिस्प्ले बनाएंगे। यहाँ पे सभी पे लाइट होगा, लगा के हम लोग इस पे डिस्प्ले क्रिएट करेंगे। करने के बाद हम लोग ये जो टच स्क्रीन का पैनल है, इस लाइट के ऊपर हम लोग ऐसे बिठा देंगे, उसके बाद ये आसानी से काम करेगा। तो अभी चलिए, इसका जो लाइट है वो हम लोग लगाते हैं और इसका सर्किट को बनाते हैं पहले। आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने जो कि डिस्प्ले लगा दिया और यहाँ पे टच स्क्रीन का जो पैनल है, तो यहाँ पे हम लोग सेंसिटिविटी भी करेंगे, तो जब भी इसमें उंगली डालेंगे तो ये सेंस करेगा। तो अब इसमें पावर दे के देखते हैं, इसका सर्किट मैंने बनाया है, अभी पावर दे के इसका प्रॉब्लम कुछ आ रहा है क्या नहीं, अभी देखते हैं। तो अभी देखिए, जब भी पावर दे रहे हैं कुछ एलईडी इसमें ग्लो कर रहा है, मतलब इसका कनेक्शन कहाँ किसी जगह पे शॉर्ट होगा। तो अभी देखते हैं काम करता है या नहीं। तो देखिए, थोड़ा थोड़ा काम कर रहा है, तो जब भी टच स्क्रीन पे थोड़ा चल रहा है तो सभी लाइट एक साथ ग्लो कर रहा है, तो ये अभी ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा। तो अभी इसको थोड़ा मॉडिफाई करेंगे और इसका सर्किट डिजाइनिंग देख के इसको आसानी से ठीक से लगाएंगे। तो अभी ये सर्किट कंप्लीट हो गया है, तो जब भी मैं उंगली इस टच स्क्रीन पे डालेंगे तो क्या होगा, इस उंगली के माध्यम से ये जो डिस्प्ले है ये ग्लो करेगा, मतलब हम लोग एक टच स्क्रीन बना गया है। तो इसको हम लोग अभी ऑपरेटिंग करेंगे, तो अभी इसको ऑन करते हैं। तो अभी ऑन हो गया है, तो जब भी उंगली डाल रहे हैं तो देखिए एलईडी जहाँ पे डाल रहे हैं वहाँ पे एलईडी ग्लो कर रहे हैं। तो इस तरह हम लोग एलईडी को ग्लो कर सकते हैं। तो देखा आपने, बहुत ही अच्छे से ये ग्लो कर रहे हैं, मतलब ये एक टच स्क्रीन है। तो इस तरह हम लोग टच स्क्रीन को काम कर सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो देख के आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू दोस्तों, बाय।